नमस्कार आपुनि साबले आरम्भ करिछे आफ्टरनून एक्सप्रेस मैं कृपांजल राजबंशे अग्निशर्मा होइछे अग्निकंता खंगत जलि उठिल ममता बेनार्जी आगाओ सिकिओ चुलिर आग पाले गई ममता बेनार्जीर खंग हावड़ात ममता बेनार्जीर हाई ड्रामा देखिबले पुआ गल सरकारी अनुष्ठानत अंश नलै नामि आहिल मंचर पुरा निजर खंगर कारणे विख्यात ममता बेनार्जीर आजि आको खंगत अग्निशर्मा होइ परिल किन्तु होइछिल कि आसलते अग्निकन्या किय हल अग्निशर्मा हावड़ा स्टेशनत आजि आसिल वंदे भारत एक्सप्रेस रेलर उद्बोधन अनुष्ठान अनुष्ठान भार्चुअल उपस्थित आसिल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह अनुष्ठान संघटित एक अनाहूत घटना रेल उद्बोधन समय जय श्रीराम स्लोगान दियात क्षुब्ध हल ममता बेनार्जी एकांश बीजेपी कर्मकर्त ममता बेनार्जी मंच उठार लगे जय श्रीराम ध्वनि परवेश उत्ताल कर तुम्हें जय श्रीराम ध्वनि दियार पिछते खंगत टिंगिर तोला हो पड़े बंगर मुख्यमंत्री ममता बेनार्जी लगे मंचर पर नामी आहिल मुख्यमंत्री ममता से समय मंच उपस्थित आसिल केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केन्द्रीय मंत्री सुभाष सरकार मंचर पर नामी आहि दर्शक शारी बहि ममता बेनार्जी दर्शक शार भाषण दिए मुख्यमंत्री ममता भाषण समय प्रधानमंत्री मातृ वियोग हुआत शोक प्रकाश कर ममता बेनार्जी किन्तु हठात एने खंग उठे और अग्निशर्मा प्राय हो पड़े अग्निकन्यागी किंतु यार कारण से जय श्रीराम दिया ध्वनि खंगत यबारों ज्वलि उठी से ममता बेनार्जी आम दृश्य देखने चेस्ा कर मुहूर्त उद्बोधन एक अनुष्ठान आद्बोधन अनुष्ठान सको ठीक आईख समय जय श्रीराम ध्वनि दिया ना जय श्रीराम ध्वनि दियारे क्षोभ फाटि पड़े ममता बेनार्जी लोकसभा मजले जिस तलब बहि थका साधारण श्रेणी लोकर मजलोर सहित कथ पाती धरले और तार भाषण दिले तार मोदी मातृ मृत्युर शोक प्रकाश कर आनफाले यार पूर्वे केन्द्रीय सरकार अनुष्ठान अप्रीतिकर परिस्थितिर सम्मुखीन होइछिल ममता बेनार्जी विक्टोरिया मेमोरियल आयोजित अनुष्ठान भाषण निदिया प्रतिबाद सब्यस्त करिछिल ममता तेतिया मंच आसिल प्रधानमंत्री मोदी सरकारी अनुष्ठानक दलियों कार्यसूची रूपान्तरित नकरिबलै सकियाई दिछिल ममता आमि दृश्य देखने चेस्ा कर विक्टोरिया मेमोरियल तेनेधरणर घटना संघटित होइछिल विक्टोरिया मेमोरियल सेखिनि समयत प्रधानमंत्री आसिल भाषण दिया ना सब्यस्त करो मंच प्रधानमंत्री उपविष्ट हो सरकार अनुष्ठान दलियों कार्यसूची रूपान्तरित नक सकिया दी ममता बेनार्जी और विक्टोरिया मेमोरियल सीदिना कि कैसे ममता बेनार्जी आम भाष्य शुना विचार मुहूर्त ममता बेनार्जी का मंच पर आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बेनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला। और सै आम दृश्य देखा विक्टोरिया मेमोरियल सीदिना ममता बेनार्जी क्य खंग उठिल कारण कि आसिल यह सन्दर्भ आम अधिक जानी आम कलकाता जब विचार आम सतीर्थ सांबा कमलिका सेन आम सहित पुनपटिया सम्प्रचार संयुक्त हो कमलिका जी फिर से गुस्से में है अग्नि ममता बेनार्जी और इस बार हावड़ा स्टेशन में दिखाई दिया है उनको फिर से गुस्सा आया उस बात पे अभी अभी फिलहाल तक क्या है जानकारी जानना चाहूंगा।
देखिए ये सुबह की घटना है और सुबह जब ये वंदे भारत शुरू होने को था, जब ममता बनर्जी आ रही थी, तब इधर बीजेपी सपोर्टर्स कुछ लोग थे और वहाँ पे स्टेज में शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, निशित प्रमाणिक जो मिनिस्टर है सेंट्रल, सुभाष सरकार जो सेंट्रल मिनिस्टर है, अश्विनी वैश्वा जो रेल मिनिस्टर है, वो सब मौजूद थे और रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ बात ही कर रहे थे कि दूसरे तरफ से बीजेपी के जो समर्थक है वो भारत माता की जय, मोदी की जय और साथ ही साथ जय श्री राम बोला और उनमें वहां पे कुछ तृणमूल सपोर्टर्स भी थे, वो भी काउंटर किया। पर एक तरीके से ऐसा एक झमेला सिचुएशन हो गया कि ममता बनर्जी वहां पे दिखी, ममता बनर्जी बहुत ही गुस्से में दिखी वहां पे और ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं उठी। उस समय जो अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री है वो पहले रेलवे GM गया, उनको रिक्वेस्ट किया, फिर रेलवे मंत्री खुद गया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि स्टेज में आने के लिए, पर ममता बनर्जी स्टेज पे नहीं गई। ममता बनर्जी वहां से ही अपना स्पीच दी, हालांकि उन्होंने स्पीच में कुछ नहीं कहा, उन्होंने स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का जो देहांत हो गया उसको लेके बोला और बोला कि जो ये प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट हो रहा है वंदे भारत छोड़ के, सभी प्रोजेक्ट ममता बनर्जी जब रेलवे मिनिस्टर थी तभी उन्होंने किया था की थी, वो चीज उन्होंने बार बार बोला और उसके साथ धन्यवाद दिया सरकार को वंदे भारत के लिए, पर उन्होंने इस जय श्री राम या इस नारा को लेके कुछ नहीं बोला। पर इसको लेके राजनीति जरूर यहाँ पे अभी राजनीति, हाँ, जो ये हाई ड्रामा वोल्टेज बताया जा रहा है, हाई ड्रामा उसने हाई ड्रामा वोल्टेज जो हर बार खड़ी करने के लिए कोशिश करते हैं ये बताया जा रहा है, तो वो जय श्री राम सुनकर उनको गुस्सा आया, उसके कारण क्या हो सकते हैं, वो नारा सुनके उनको गुस्सा क्यों आ सकती है? देखिए ये तृणमूल के तौर तरफ से एक इसका एक्सप्लेनेशन है। तृणमूल का ये कहना है कि जय श्री राम सबके भगवान हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम हाई प्रोफाइल प्रोग्राम था, नरेंद्र मोदी खुद ऐसे एक सिचुएशन में वो वर्चुअली प्रेजेंट थे, उसमें एक झमेला करने की कोशिश किया जा रहा था कि एक तरफ से बीजेपी स्लोगन दिया जा रहा है और जैसे ममता बनर्जी स्टेप इन की वैसे जिस तरीके से ये स्लोगन दिया जा रहा था ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी को बुली किया जा रहा है, जिस तरीके से कोई पीछे कोई रोकने टोकने के लिए जिस तरीके से बिहेव करता है वो किया जा रहा था। ये ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस का है उनका कहना है और इसको नहीं टॉलरेट किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने स्टेज के ऊपर नहीं गया। और जबकि उनको रेल मंत्री ने भी उनको बार बार बोला। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जय श्री राम हमारे अंदर से आते हैं, मोदी जी को देख के कोई भी ऐसा अनुष्ठान में हमारे जो स्वाभाविक नेचर है। जी कमलिका, इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि पहले भी दिखाई दिया था जब भी वो कैंपेनिंग के लिए जाते थे, जो लोग नारा लगाते थे कि जय श्री राम नारा लगाते थे, सपोर्टर्स वगैरह जो भी लगाते थे, तब भी वो गुस्से में थे, गुस्से में लाल पीला हो जाते थे, उसके बाद वो उन लोगों से बातचीत भी किया था, फिर से उसको गुस्से में आता हुआ दिखाई दिया था पहले भी। ये जय श्री राम नारे से ही कुछ दिक्कत शायद ही हो सकती है ममता बनर्जी के साथ? नहीं, ये एकदम इसी तरीके से जो तृणमूल का कहना है कि जय श्री राम नारे में उनका कोई समस्या नहीं है, उनका समस्या है जिस तरीके से और जहां जय श्री राम बोला जा रहा है और एक टोंट करके बोला जा रहा है, इस चीज से इन लोगों की आपत्ति है और इसी के चलते वो गुस्सा हो जाती है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जय श्री राम मन से आता है, मन की खुशी से आता है, इसमें इस तरीके से गुस्सा होने का ये मतलब है कि जय श्री राम के खिलाफ हो ये ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जय श्री राम के खिलाफ है या नहीं ये चीज तृणमूल कांग्रेस का इसमें ये कहना है कि ममता बनर्जी सबको पूजा करता है, उनका घर में पूजा होता है, घर में काली पूजा होता है, पर ये एक ऐसा चीज हो गया है कि जब उनके पीछे लगना होता है, टोंट करना होता है, उनको टीज करना होता है, तब ऐसा आवाज उठाया जाता है, वो भी एकदम जो एकदम नीचे स्तर पे जो सपोर्टर्स है वो लोग करते। इसमें एक चीज तो हुआ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का एक साथ काम करना चाहिए, आज वो एकदम एक तरीके से प्रधानमंत्री टोन के साथ उनका दिक्कत है, जय श्री राम नारा के साथ उसका कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया था। धन्यवाद कमलिका आरुखिया आसल कोलकाता पर आमी पुनपटिया सम्प्रसारत कमलिका पालू और कमलिका कथा खिनि खेहतिया कय जनाले।
আৰু কথাই কথাই প্ৰত্যেকবাৰে খং কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, অগ্নিশৰ্মা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অগ্নিকন্যাগৰাকীয়ে। কি ইয়াৰ পূৰ্বে আমি হাওৰা ষ্টেচনৰ সেই ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আজি শেহতীয়াকৈ হাওৰা ষ্টেচনৰ সেই দৃশ্যই এতিয়া আকৌ ইয়াক ৰাজনীতিৰ গোন্ধ পাইছে। তেওঁ মঞ্চলৈ নগ'ল, মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল, তেওঁলোকৰ সৈতে কেৱল মোদীৰ মাতৃৰ শোক প্ৰকাশ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। তাৰ পাছতে এনেধৰণৰ এক মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কলকাতাত। I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world class station. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today, and thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest, and I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Sir, I convey my gratitude to you, because you are supposed to come to West Bengal today, but because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest, because just you are coming from the cremation.